नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव में अब काफी कम समय बचा हुआ है और अब ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई है कि इंडिया की तरफ से और एनडीए की तरफ से पहलवान कौन होंगे जो मैदान में उतरेंगे और दावा ठोकेंगे। आपको बता दें कि बीते दिन से चर्चा में आ गए हैं टुन्ना जी पांडे। कहा तो ये भी आ रहा है कि महागठबंधन ने टुन्ना जी पांडे को हरी झंडी दिखा दी है, तो आज हम सीधी बातचीत टुन्ना जी पांडे से ही करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज पर आपका। जी जी नमस्कार नमस्कार प्रणाम सिमरन जी, धन्यवाद आपको, लाइव सिटी को और आपको। जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि बीते दिन से आप खूब चर्चा में आ गए हैं, हर तरफ आप ही का जिक्र हो रहा है, तो क्या वाकई में आपको महागठबंधन की तरफ से हरी झंडी मिल गई है टुन्ना जी? जी बिल्कुल, हरी झंडी मिल गई है, बिल्कुल 100% हरी झंडी मिल गई है। अच्छा, किसने दी हरी झंडी और कहां से ताल ठोक रहे हैं? देखिए देखिए, जिसको अधिकार है हरी झंडी देने का, वही हरी झंडी वहीं से मिला। हरी झंडी सबके तरफ से नहीं मिल सकता है, जो सर्वेसर्वा हैं, जो सब लोग पार्टी का मेन ऑफिसी हैं, उनके द्वारा जो हरी झंडी जहां से मिलना चाहिए तहां से मिल गया है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि लालू जी तेजस्वी जी ने आपको ओके कर दिया है? देखिए, जो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वहां से हरी झंडी हमको मिल चुका है, और अब हरी झंडी मिलने के बाद हम अपने काम में लग गए हैं। काम में लग गए हैं आप, कहां से जी बिल्कुल पांडे? जी, महाराजगंज लोकसभा। अच्छा, महाराजगंज से? जी महाराजगंज लोकसभा, आज हमारा बसंतपुर में पूरा कार्य थी, भगवानपुर में पूरा कार्यक्रम था, और महाराजगंज से फिर भगवानपुर से फिर महाराजगंज में आ गए हम, और फिर कल हमारा बहुत बिजोर कार्यक्रम है। जी, कल हमारा अच्छा, कार्यक्रम है जलालपुर, बरेजा, मांझी, एकमा, उधर कल हमारी गाड़िया सब निकलेगी, उधर हम लोग कल रहेंगे दिन में। मतलब आप सुपर एक्टिव हो गए हैं जैसे ही आपको हरी झंडी मिली है। लेकिन टुन्ना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी से इस्तीफा दे दिया ना आपने, कब दिया इस्तीफा? बिल्कुल, जैसे ही हमको हरी झंडी मिली बीजेपी छोड़ दिए, बीजेपी छोड़ दिए, इस्तीफा दे दिया? जी बीजेपी छोड़ दिया, इस्तीफा भेज दिया है, इस्तीफा अच्छा, भेज दिया पार्टी में, इस्तीफा भेज पार्टी दिया में, है पार्टी में? में हमने पार्टी में हमने इस्तीफा भेज दिया है, पार्टी अच्छा, में हमने इस्तीफा लिखकर भेज दिया है। ठीक है, हम आपसे जानना चाहेंगे टुन्ना जी कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी छोड़ दिया आपने या कोई और नहीं, बात भी है? आप विगत दिनों से ही देख रही होंगी कि हम बीजेपी नाम मात्र के बीजेपी में थे, बीजेपी तो हम छोड़ ही चुके थे, लेकिन लोग जो कह रहे थे, हाँ, उनके खाली दबाव के लिए हम बीजेपी में थे, बीजेपी तो बहुत पहले छोड़ दिए थे। आप विगत 2020 का चुनाव देखी होगी, उस चुनाव में ही हमने बीजेपी छोड़ दिया था। 2020 का जो चुनाव हुआ विधायक लोगों का, उसी में बीजेपी छोड़ दिए थे, और अच्छा, अच्छे समझदार चालक उसी को कहा जाता है कि हरी झंडी मिला और अपना काम गाड़ी चल देती है। हरी झंडी मिलने के बाद भी अगर गाड़ी नहीं चलाइए, इसका मतलब कि आप कमजोर प्लेयर हैं। आप कमजोर प्लेयर हैं और टुन्ना जी समझदार प्लेयर हैं। हाँ, आप चलिए फिर से यहीं से शुरू करते हैं, यानी कि टुन्ना जी जो है वो समझदार प्लेयर है, कमजोर प्लेयर नहीं है। हरी झंडी मिलते ही बिल्कुल काम बिल्कुल बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हम प्लेयर हैं, सारे जनता भी समझती है, क्योंकि हम महाराजगंज में भी एमएलसी रहे हैं, दो टर्म भगवानपुर से, क्या नाम है, गोरिया कोठी से भी एमएलसी रहे हैं, ये दोनों विधानसभा कंचोसी हमारे एमएलसी सीट के अंदर आती थी, या दो टर्म हम पहले से रहे हैं, इसलिए यहाँ से पहले से वाकिफ है पूरा पूरा वाकिफ है आप महाराजगंज से। अच्छा, ठीक है टुन्ना जी जी, जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया ऑफिशियली, आपने कहा कि जी लगातार इस
तरह की कंफ्यूजन थी, आपने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा भेज दिया है, तो क्या टुन्ना जी और भी कोई ऐसे नेता है जो बीजेपी के हैं और आप ही की तरह जो है पार्टी को इस्तीफा भेज देंगे, यानी कि उनका भी मोह भंग हो गया हो पार्टी से? बीजेपी में बहुत उपेक्षित लोग हैं, लेकिन डर से कोई आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन समय समय आने पर सब लोग उसको जवाब देंगे, सब लोग समय आने पर इस्तीफा देंगे, क्योंकि तो आज स्थिति बिहार की हो गई है कि विधायक लोग डरे सहमे हुए हैं। एक भी विधायक ऐसे नहीं है कि जो बोल्डली है। विधायकों के साथ क्या किया गया सो आपको अभी देखे, आपने 10 दिन 15 दिन पहले विधायक किस तरह रो रहे थे, किस तरह गिलगिला रहे थे, विधायकों के परिवार के साथ क्या किया गया। तो उस गठबंधन में तो विधायक लोग भी सुरक्षित नहीं है, वो लोग समझ रहा है कि हम जनता की सेवा क्या करेंगे जब हमारी सुरक्षा नहीं है, जब हमारे साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। लोकतंत्र में ऐसा कहीं सुने हैं आपने कि विधायक के साथ जो जनप्रतिनिधि है उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाए? अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि अंदर में नाराजगी तो है, अंदर में मायूसी तो है, क्या लगता है कितने ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो चुनाव से पहले खेल कर देंगे? देखिए, वो अब गिनती गिनने लायक थोड़ी है, बहुत नेता है, बहुत लोग तो डर से बोल नहीं पा रहे हैं। बहुत नेता है, बहुत नेता है, समय आने दीजिए, चुनाव आता है, उसके बाद अपने आप 25 आते आते देखिएगा, एक छोटी वाली तो खत्म हो जाएगी पार्टी, और बड़ी वाली पार्टी में भी एकदम बुझिए कि बहुत लोगों में नाराजगी है। अच्छा, 2025 का चुनाव आते आते छोटी वाली पार्टी तो खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है, बड़ी वाली जो पार्टी है उसका क्या होगा ये बताइए जी, बड़ी वाली पार्टी का क्या होगा? छोटी वाली पार्टी तो आपने कहा कि खत्म हो जाएगी चुनाव आते आते। जी हाँ, नेटवर्क अभी ठीक आ गया, अभी ठीक है। हाँ तो टुन्ना जी, आपने कहा कि छोटी पार्टी समाप्त हो जाएगी, बड़ी पार्टी का क्या होगा? बीजेपी बड़ी पार्टी में भी टूट रहेगा बिहार में जी, बड़ी पार्टी में भी टूट हो जाएगी। कलकत्ता इतना नाराज है बड़े पार्टी में कि जो पार्टी के समर्पित लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया गया, और जो 5 जगह 6 जगह से घूम कर आए उनको क्या क्या पोस्ट दिया गया सो तो आप देख रही है बिहार की क्या स्थिति है। ठीक है, पार्टी के उपेक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अच्छा, टुन्ना जी के संपर्क बीजेपी के नेता जो बेकरार बैठे हैं टूटने, तो आपके भी संपर्क में है ऐसे कुछ बीजेपी के नेता टुन्ना जी? देखिए, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, जो नहीं टूट पा रहे हैं। अच्छा, नेता को विकल्प की तलाश रहती है, नेता को विकल्प मिल जाएगा टूट जाएगा। अच्छा, विकल्प मिल जाएगा उनके पास, उनके पास कोई तो तेजस्वी को लगातार कहते ही है कि खेला बाकी है, अभी देखिए बिहार में और कुछ होना खेला बाकी है। बिल्कुल, तेजस्वी सर जो कह रहे हैं सो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके बातों पर हम सत्ता कर रहे हैं। अच्छा, खेला तो हुए करेगा, आज हो चाहे 10 दिन के बाद हो, खेला तो हुए करेगा। देखिए, देखिए उस दल के लोग ही सिमरन जी बहुत उपेक्षित हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं उपेक्षित कि भाई हमारी सम्मान नहीं है, जो पार्टी को हमने सींचा इतना दिन से, और पार्टी में जो नया आदमी आ गए और नया आदमी आकर पार्टी के जो भी समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, इस तरह की बात करना, और उनको पार्टी ने इतना सम्मान दिया पता नहीं क्यों, और देख करके उस शीर्ष पर रखी हुई है, तो ये तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को खल रहा ना, नेताओं को तो खल रहा है। जो आदमी पार्टी को सींचा उसको दरकिनार कर दिया गया है। बिल्कुल, और इस बात की मायूसी है, आपको मालूम है ना कि मुख्यमंत्री जी विदेश रवाना हो गए हैं, और यहाँ पर लगातार गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि छोड़े मुख्यमंत्री विदेश के लिए, और इधर बिहार में जेडीयू के साथ खेल होना शुरू हो जाएगा। टुन्ना जी, क्या करने वाले हैं अब आप लोग? देखिए, हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, जो होगा सो अपने आप वो लोग खुद कर लेंगे, हम लोग क्यों उसमें करने जाएंगे किसी के साथ कुछ। लेकिन ये तो निश्चित है कि खेला होगा, मुख्यमंत्री महोदय विदेश गए हैं अच्छे से स्वस्थ होकर के, और वहां से आए, हम लोग यही कामना करते हैं उनके साथ, उनकी पार्टी बची रहे ये तो कामना करते हैं, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है बिहार की राजनीति से। बड़ा खेल होने वाला है 6 से 7 दिन के अंदर।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बिल्कुल 6 से 7 दिन का अंतर हो जाए अच्छा, या खेला खेला का नींव रख दिया जाए। खेला की नींव भी रख सकती है। ठीक है ठीक है, हम आपसे ये भी जानेंगे टुन्ना जी कि आप महाराजगंज से चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि सिवान क्यों नहीं? सिवान में तो आप मुसलसल इतना एक्टिव रहते थे। देखिए पार्टी हम लोग से ज्यादा दूर तक देखती है, पार्टी का कोई समीकरण लगा होगा, पार्टी सोची होगी कि भाई इनको वहां गोपाल महाराजगंज में पुटअप किया जाए, महाराजगंज का उम्मीदवार बनाया जाए। तो पार्टी जिसको जहां से उम्मीदवार बनाती है, जो आप समर्पित लोग हैं अगर पार्टी के लिए, तो पार्टी की बात तो मानना ही है ना। पार्टी हमको कुछ देखी होगी वहां पर कि भाई इनको यहाँ सेट किया जाए, तो हमको उम्मीदवार बनाई वहां पर। अच्छा, ये भी चर्चा है आपके बारे में, तो जब चर्चा उठी है तो हम आपसे ये प्रश्न करेंगे टुन्ना जी। कहा तो ये भी जा रहा है कि पार्टी ने आपको, आला कमान ने आपको कह दिया है कि सिवान पर भी ध्यान रखना है, कभी भी कुछ भी हो, रीशफलिंग भी हो सकती है। देखिए बड़े शुक्र देखिए, जी आपके बातों से बिल्कुल सही है कि भाई मीडिया के नजरों से कोई नहीं बच सकता है। बिल्कुल ये तो बात बिल्कुल है, लेकिन अब हर बात का जवाब मीडिया का उत्तर दे दिया जाए यही संभव नहीं है। हाँ। कुछ बातें पर्दे में की बात है, पर्दे में ही रहने दिया जाए। कुछ अच्छा, कुछ बातें पर्दे वाली बात बात है, पर्दे की पर्दा होती तो है, उसके पर्दे पर्दे में ही रहने दिया जाए। चलिए ठीक है अभी वक्त आएगा तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपको मालूम है ना कि महाराजगंज सिटिंग सीट है बीजेपी की, जनार्दन सिग्रीवाल वहां से एमपी हैं। आपको ये भी याद होगा कि रणधीर जी जो आरजेडी की तरफ से मैदान में उतरे थे, वो 2 लाख वोट से सिग्रीवाल जी से हार गए थे। टुन्ना जी कैसे होगा, राह तो बहुत कठिन नजर आ रही है। इस बार महागठबंधन वहां से 2.5 लाख से जीतेगी। अरे बाप रे बाप, ये बड़ा दावा, इसके महागठबंधन क्या ढाई लाख पता? से 2.5 लाख वोट से जीतेगी महागठबंधन वहां पर महाराजगंज में। अच्छा, तो ये सुधर आपका जी हमारी कॉन्फिडेंस हमारी है जी, कॉन्फिडेंस जी आज या ओवर आज जो हम घूमे हैं कॉन्फिडेंस? वहां पर, हाँ नहीं आज हम जो वहां घूमे हैं वहां जनता जी के जी जो जी स्नेह प्रेम हम देखे हैं, और इन मैंने पुराने लोगों से जनता जो उब चुकी है, पुराने लोगों ने जितना धोखा दिया है चला है वहां के लोगों को, जी इसलिए जी जनता की जो गुस्सा है, जो जनता का जो आवेश है, वो देख करके हमने आकलन किया कि लगभग 2.5 लाख वोट से वहां पर एनडीए हारेगी और महागठबंधन जीतेगा वहां से। चलिए, बड़ा दावा कर रहे हैं तो अब देखना होगा टुन्ना जी कि आगे आगे क्या होता है। खूब सारी शुभकामनाएं आपको, तो ये पूरी बातचीत आप लोगों को नहीं कैसी दावे में लगी हमारी मैं सच्चाई कुछ है, दावा करके। एकदम हम जो भी दावा करते हैं उसमें चलिए बिल्कुल बिल्कुल, ये आने वाला वक्त जी। बताएगा। खूब सारी बधाई आपको, खूब सारी शुभकामनाएं आपको जी। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।